स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों क्या आपको पता है कि 1 जुलाई से रेलवे में बदल रहा है बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सी नियम है जो 1 जुलाई से आने वाले है रेलवे में। यहाँ कह ले कि लागू होने वाले है रेलवे पर। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपने इस खबर को मिस कर दिया तो आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल 1 जुलाई से रेलवे में कई बदलाव होने वाले हैं। अगर आपने इस बदलावों के बारे में नहीं जाना तो आपकी मुश्किल बनने तय है। जानिए क्या है वो अहम बदलाव। पहला है वेटिंग लिस्ट का झंझट ख़त्म हो जाएगा। रेलवे की ओर से चलाए जाने वाली सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट है 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50% राशि वापस की जाएगी। तीसरा पॉइंट है तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव हुआ है। सुबह 10 से 11 बजे तक एसी कोच के लिए टिकट बुकिंग होगी जबकि 11 से 12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी। चौथा पॉइंट है इसके साथ ही राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस एक टिकटिंग की सुविधा शुरू हो रही है। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी बल्कि आपको मोबाइल पर टिकट भेजा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है जल्द ही रेलवे अलग अलग भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। अभी तक रेलवे में हिंदी और अंग्रेजी में टिकट मिलती है लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग अलग भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। सिक्स पॉइंट है रेलवे में टिकट के लिए हमेशा से मारामारी होती है। ऐसे में जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सेवन पॉइंट है भीड़भाड़ के दिनों में रेलगाड़ी में बेहतर सुविधा देने के लिए वैकल्पिक रेलगाड़ियां समायोजन प्रणाली सुविधा ट्रेन शुरू करने और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट गाड़ियाँ चलाने की योजना है। एट पॉइंट है रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से राजधानी शताब्दी दुरंतों और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाई जाएगी। नाइन पॉइंट है तो वही रेलवे प्रीमियम ट्रेनों को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। दसवां और आखिरी पॉइंट है सुविधा ट्रेनों में टिकट वापसी पर 50% किराए की वापसी होगी। इसके अलावा AC 2 पर 100 रुपया, AC 3 पर 90 रुपया, स्लीपर पर 60 रुपया प्रति यात्री कटेगा। दोस्तों ये वो बदलाव है जो 1 जुलाई यानी कल से होने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। लव यू ऑल गाइस।